ऑफ द साइट सिटी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो पैरेललोग्राम जो है एबीसीडी हम लोग लिया, ये पैरेललोग्राम ओके ए बी सी डी। तो थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइट, ये वाला सी डी है, ये मिड पॉइंट है। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइट सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम, दिस वन इज एम, द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट ए डी। इंटरसेक्टिंग ए सी, ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी को इंटरसेक्ट करता हूं। ओके तो थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, ये हो गया अभी क्लियर है। तो दैट इज इंटरसेक्टिंग एसी एट एल एंड एडी प्रोड्यूस्ड एट ई, एडी प्रोड्यूस्ड एट ई, एडी को प्रोड्यूस किया तो ई में जाके इंटरसेक्ट किया ओके, और एसी को कहां पे एल में इंटरसेक्ट किया, एसी को एल में। To prove that EL equal to twice of BL, we have to prove EL equals to twice of BL. बेटा थोड़ा रिवीजन का है मैथ्स का, ओके? तो गिवन तो तुम लोग लिख दो, हमें डायरेक्ट प्रूफ लिख देता हूँ। गिवन में तो जानते हो ये पैरेललोग्राम दिया है ABCD और ये मिड पॉइंट दिया, दैट मींस ए साइड ए साइड इक्वल है, और ये प्रूव करना EL equal to। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, अभी थोड़ा रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया बेटा, अभी हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं सबके, और ये चैप्टर बहुत वाइटल चैप्टर है तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार आया और स्कूल में आते रहता ओके। तो प्रूफ में पहले ईएल किस में देखते हैं, ईएल जो है ना हम लोग का इस बड़े वाले ट्राइंगल में है, ईएल ईएल बड़े वाले ट्राइंगल में, और बीएल कहां पे इस छोटे वाले ट्राइंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होगा, चेक करते हैं। जब ये इसके साथ पैरेलल है ये भी पैरेलल होगी बिकॉज एक्सटेंडेड लाइन है, तो क्या होगा ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा ठीक है, और ये क्या होगा वर्टिकली अपोजिट है, ये क्या होगा वर्टिकली अपोजिट है, इससे तुम लोग को पता चल रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा जहां पे ईएल और बीएल वाला आएगा ओके। तो अभी चेक कर लेते हम लोग, तो दैट इज एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ई एंगल बी के बराबर, तो थोड़ा सा ऐसे लिख देते एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी ओके। तो कौन सा ट्रायंगल लेना है, ई हम लोग को पहले आएगा ई, तो इधर पे आ जाएंगे तुम्हारा बी इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ई आएगा तो इस ट्रायंगल का बी आएगा, अच्छा उसके बाद इस ट्रायंगल का एल आएगा तो इसका भी एल आएगा, इन ट्रायंगल ई एल ए एंड ट्रायंगल B, that is E A L, E L E L A, और इस जगह भी B, उसके बाद L, उसके बाद C, ये दोनों ट्रायंगल, एंगल B को ट्रायंगल E, और एंगल E L A इक्वल्स टू ये वाला कौन सा अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल होता है जानते हो तुम लोग, अच्छा ELA equals to BLC vertically opposite angles, ये दोनों को, और एक बार जिन लोग आगे अभी ज्वाइन किया उन लोग ध्यान रखो A B C D को पैरेललोग्राम दिया है, और AC एक जो ज्वाइन किया तो B को एक्सटेंड किया, ये वाला मिड पॉइंट,
तो बीएम को जब हम लोग ज्वाइन किया मिड पॉइंट को, तब एसी को एलबी इंटरसेक्ट किया, फिर इसको एक्सटेंड किया तो एडी प्रोड्यूस को ई में जाके इंटरसेक्ट करता है। प्रूफ करना है ईएल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीएम। तो ईएलए ईएलए जो ट्रायंगल और तुम्हारा बीएलसी जो ट्रायंगल है, बीएलसी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? बिकॉज़ ईएल वाला जो है हम लोग का इस वाले ट्रायंगल में है और बीएल वाला साइड इस वाले ट्रायंगल में है। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल ईएलए सिमिलर टू ट्रायंगल बीएलसी बाय एंगल एंगल सिमिलर। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ये स्वर्ण बताए बेटा, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है बेटा? यस, ठीक है। अच्छा, तो सबको क्लियर हो गया यहां तक? ओके गुड, बहुत बढ़िया। तो एंगल बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, डॉट डॉट क्यों लिखो, तो सिमिलरिटी लिख देता हूं। बहुत दिन बाद इसका ये जो ट्रायंगल वाला चैप्टर सब भूल जाता, ये दोनों सिमिलर हुआ। देयरफॉर ये जो EL अपॉन इसका BL इक्वल्स टू LA अपॉन LC इक्वल्स टू EA अपॉन BC, इस टाइप का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अभी EL और BL चाहिए, EL और BL दैट मींस यहाँ पे कोई रेशियो जो है ना तो 2 के बराबर होगा, इसके इसके कोई एक रेशियो 2 के बराबर होंगे। LA कहाँ पे है? LA इस जगह पे है। LC कहाँ पे? इस जगह। अच्छा ठीक, ये किधर है? ये देखो यहाँ पे है। ओके, BC इधर है, तो आसान बात हो गया। ठीक है बेटा, तो अभी देखो ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा? देखो ए साइड ए साइड के बराबर। ओके, ये वाला साइड ए वाला साइड के बराबर, ये वाला मिड पॉइंट और ये लाइन सारे क्या था? पैरेलल था। ओके, और ये भी तुम लोग जानते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, बीसी कौन सा? ए वाला तुम्हारा बीसी वाली बात है। ओके, और ये तुम्हारा ये वाला एंगल भी इक्वल था, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इससे हम लोग ये जो है ना, ये देखोगे ये तो दिखाई दे रहा है बीसी का डबल है, ये प्रूफ करनी है। ओके, तो पहले ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है। ओके, और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड से दोनों क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बीसी किसके बराबर हो जाएंगे? डी के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं क्या चीज हम लोग कर। ओके, ये दोनों एंगल इन ट्रायंगल बी, इसका भी दिया तो इसका ही, इसका एम, इसका भी एम, इसका सी बी एम सी, इसका सी की जगह कौन सा? इसका डी, इस दोनों ट्रायंगल का। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये तो अल्टरनेट एंगल साइड नहीं दिखाई देगा, तब अभी इसके आगे इधर एंगल एंगल होगी। साइड जो है दूसरा जो एंगल है तो इसका हो गया बीएमसी एंगल इक्वल्स टू ईएमडी, ईएमडी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये चीज। और ये क्या था जो इसका था? सीएम, ये जो सीएम जो है ये किसके बराबर है? सीएम जो है डीएम के बराबर। क्यों? एज एम इज द मिड पॉइंट, एम का मिड पॉइंट, इससे क्या पता चला? देयरफॉर ट्रायंगल बीएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMC के साथ क्या होगा? EMD, BMC और EMD congruent by what?
angle angle side. Okay, so I think this one is clear. Yes or no? This much is clear. Yes or no? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया? यस। अच्छा, जियोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके गुड, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है। अच्छा तो हमने पार्ट, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, ये चल रहा है, ये जो सेकंड पार्ट। ओके यहाँ पे कर देते थर्ड, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट इसके बाद सेकंड। ओके इसके बाद यहाँ पे कर देते थर्ड पार्ट भी इधर कर। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, therefore what, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, therefore हम लोग वी कैन राइट BC इक्वल्स टू BC, इसका BC होगा तो इसका हो जाएंगे ED, BC इक्वल्स टू ED, ओके बाय CPC। अभी देखो AE इक्वल्स टू व्हाट, AE इक्वल्स टू क्या हो जाता है, AE इक्वल्स टू AD प्लस ED। AD किसके बराबर है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है ना, तो ये BC के बराबर। ED किसके बराबर है, तो BC के बराबर अभी प्रूव किया था। इसमें क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कौन सा ये वाला, AD BC के बराबर है, तो AE इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। ये बात क्लियर हुआ, यस और नो? ये बात क्लियर हुआ, यस और नो बेटा? ओके तो भी क्लियर हुआ, तो AE इक्वल टू BC, तो अभी AE तो BC के बराबर है। अभी देखो ये जो है ना, ये थर्ड पार्ट जो हम बोल रहे, थर्ड पार्ट हमने लिखे यहाँ पे, थर्ड पार्ट AE इक्वल्स टू BC। अभी देखो इस जगह पे हम लोग को जो मिला था फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ पार्ट इस जगह पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट से हम लोग को क्या रहा है, इस जगह पे EL अपॉन BL इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, ये अपॉन BC। तो ये और ए तो सेम है ना, ये ट्वाइस ऑफ BC है और ये वाला भी BC है, बिकॉज ये किसके बराबर था, BC के बराबर था। ओके तो EL अपॉन BL, तो EL अपॉन BL इक्वल्स टू टू, EL अपॉन BL इक्वल्स टू टू, therefore EL equals to twice of BL, hence proved. Clear beta? Understood? Okay. तो ये हो गया chapter 6 का extra question, math revision chapter 6 extra question, नहीं तो actually board questions, board में ही आ चुका है, कुछ board questions होता है कुछ इस type का, ठीक है? Okay, good.